क्या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 62। अंतकाल समा चल वैसी अंतकाल समाचल वैसी कर ले तू कुछ संसार बॉर्डर फिर नहीं आवना फिर नहीं नाम धियावो गाफिला अली अली नाम धियालो गाफिलो मौलाने हज़रत इमाम पे सलावत पढ़ी जा रही है। सुबह के गिनन बहुत से रूहानियत से भरे हुए हैं, लेकिन पैगाम यह होता है कि तुम होशियार बनो, अपनी गफलत को अपनी नींद को छोड़ो। सुबह का जो वक्त है दीनदारों, ये रूहानी वक्त खुदा ताला ने जब से दुनिया बनी, इंसान बना, अपने नबियों की मारिफत इंसानों के ऊपर मुकर्रर किया, लेकिन दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं जो इस नूर के वक्त उठ के अपने पैदा करने वाले को याद करें। यह एक बड़ी सीरियस चीज है। सुबह की इबादत, सुबह का उठना एक कठिन डिसिप्लिन है, हज़रत इमाम फरमाया। मगर जो लोग उठते हैं उनको फिर खुदा बड़ी बड़ी बख्शीशें देता है। हमारा जो इस्माइली मजहब है, ये दीन इस्लाम का एक तरीका है कि जिस तरीके के ऊपर चलने से इंसान की रूहानियत बढ़ती है। हज़रत इमाम फरमाया कि नॉर्मली तो इंसान दुआ पढ़ता है और अपने जो मजहबी आमाल हैं वो पूरे कर लेता है, मगर जिन लोगों को ये ख्याल है कि मैं कुछ रूहानियत में आगे बढ़ूं स्पिरिचुअली, तो उसके लिए ये सुबह का तरीका है। मौला के एक और फरमान में है कि मुसलमान ऐसा समझते हैं मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, हमारा इस्लाम पूरा हो। लेकिन जिन्होंने को यह ख्याल है कि हमें एक दिन मरना है, फिर मौत के बाद क्या होगा, ये उन लोगों के लिए जो थिंकर्स हैं, जो विचार करते हैं, जो बुद्धि वाले हैं, अक्ल वाले हैं, जो दूरंदेश हैं, यानी भविष्य का सोचने वाले हैं, और सब लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे लोग, अकल वाले, बुद्धि वाले, समझदार, के जिनको आने वाले फ्यूचर का ख्याल रहता है, इन लोगों को यह होता है कि मैं एक दिन गुजर जाऊंगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। दुनिया भर ने जब मौला 8 वर्ष की उम्र के अंदर इमामत की मसनद पर बैठे तो पीरी जमा भी साथ था। माँ बाप जमात खाने के अंदर आके
वाज किया करते थे। एक दिन इसी तरह से बॉम्बे के दरखाने जमात माने में आके मौला ने जमात को कहा, है जमात, एक आदमी सफर के लिए निकला मुसाफरी पे, चलते 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 काफी वक्त हो गया, भूख का वक्त हुआ, खाना इसके साथ था, मगर इसकी नजर पड़ी कि एक झाड़ के ऊपर मधपूड़ा लगा है, शायद की मक्खियों का छत्ता लगा है। मद का सोच के इसके दिल में लालच पैदा हुआ कि चलो मद खाए, अपना मुंह लपेट के कि मक्खियां उसको काटे नहीं, ये आदमी ऊपर चढ़ा। ऊपर गया और मद का पूरा तोड़ तोड़ के खाता रहा। मौला फरमाते हैं, इस मूर्ख ने अपने आजू बाजू इर्द गिर्द देखा नहीं कि हालत क्या है, मद खाने में वो ऐसा मस्त रहा कि उसने कुछ देखा नहीं कि ये जो झाड़ है जिसके ऊपर वो चढ़ के मद खा रहा है, इसके मूड के अंदर रूट्स में दो चूहे इसके मूड़ काट रहे हैं, एक चूहा सफेद है, एक चूहा काला है। चूहा यानी रैट, माउस। मामा फरमाया, ये जो झाड़ है वो एक खाई के किनारे के ऊपर है और वो खाई खड जो है बहुत गहरी है, बहुत ऊंधी है, और किनारे पे होने की वजह से बहुत डेंजरस पोजीशन है इसकी, क्योंकि ये हवा का एक जोर का झोंका आवे तो निकल जाए। मौला फरमाया, इस खड के नीचे अंदर एक बहुत बड़ा अजगर बैठा है, अजदहा बैठा है, इंग्लिश में उसको ड्रैगन कहते हैं, और वो ऊपर मुंह करके इस इंतजार में है कि ये आदमी नीचे गिरे और मैं इसको खा जाऊं। मौला फरमाते हैं, ये आदमी मद खाने के अंदर इतना मस्त रहा कि ये ख्याल न किया कि इसके आजू बाजू में क्या हो रहा है, ये दो चूहों ने इस झाड़ के मूड़िये काट 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 के उसको वीक कर दिया, पलन का एक झपाटा आया और ये दरख्त उखड़ गया और ये आदमी नीचे खड में गिरा और उस अजदहा ने इसको खा लिया। मौला फरमाते हैं, है जमात, तुमको समझ आई कि मैंने तुम्हें क्या कहा? एक आदमी दुनिया के अंदर आता है मुसाफरी के लिए, हालांकि उसके पास थोड़ा खाना पीना है, यानी पास्ट लाइफ की या उसके माता पिता की दुआएं वगैरह जो होती हैं, कुछ नेकियां वो साथ लाता है, मगर दुनियादारी के अंदर पढ़ के, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की मोह ममता में, इस मद के अंदर जीवन के इस झाड़ पे चढ़ के वो ऐसा मस्त हो जाता है कि उसको खबर भी नहीं होती कि ये दो चूहे, जो एक चूहा रात है काला जो है, सफेद चूहा है वो दिन है, ये दो चूहे दिन और रात तुम्हारी लाइफ को काट रहे हैं, जो वक्त निकल रहा है वो वापस नहीं आता। जीवन का ये झाड़ जो है, जब इसको कोई बीमारी वगैरह लग जाती है तो एक ऐसा झपाटा आता है कि झाड़ उखड़ जाता है, खड जो है वो कब्र है और उसके अंदर वो जो अजगर है वो तुम्हारे आमाल हैं जो तुमको खा जाएंगे, तुम्हारे गुनाह हैं जो तुम्हें पनिशमेंट में डाल देंगे। दिनदारों, मैंने आपको अर्ज की कि ये इमामों के फरमानों में हमें नसीहतें मिलती हैं कि वो लोग कि जो सीरियस हैं, वो लोग कि जो अगमचेती वाले हैं, फार साइट हैं, वो लोग के जिनको फ्यूचर का ख्याल है, अपनी जिंदगी के बाद की जिंदगी का उन्हें एहसास है, वो लोगों के लिए
सोचने के लिए, विचार करने के लिए बहुत कुछ है। वो लोग ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि हमारी आखिरत सुधरे, हमारी आखिरत अच्छी हो गई। मौला फरमाते हैं इन लोगों के लिए बैतुल ख्याल है, ये बैतुल ख्याल उन लोगों के लिए नहीं कि जो बहज लोगों को देख देख के इसमें चले आते हैं, बोल मिलता है तो उसकी कोई दरकार नहीं रहती, कई लोग बोलने के भूल जाते हैं। कभी सताड़े आए या वाइजें हुई या हजर इमाम आए तो आदमी को थोड़ा जोश आता है और वो सुबह इबादत करता है, जमात खाने आता है, लेकिन बाद में फिर ढीला हो जाता है, दुनियादारी में सो जाते हैं। ये चीज उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको अपनी आखिरत की समझ नहीं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा भी मैंने देखा, हजर इमाम का वारा देख रहा हूं, मैंने बहुत चेंजेस देखे, बहुत, खुद हजर इमाम की बख्शिशों नवाजिशों में और हजर इमाम का हमारी तरफ जो ख्याल ध्यान है, मैंने इन दो जौमों के अंदर बहुत फर्क पाया। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का जो जमाना था वो बड़ा मुश्किल कठिन जमाना था, बख्शिशें भी बहुत देता था लेकिन साथ साथ बहुत से ऐसे फरमान भी करता था कि जो आदमियों को हमेशा अलर्ट रखते थे। एक औरत ने मेहमानी रखी, मौला को अर्ज किया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करता हूं, कहती है मौला मैं हर रोज इबादत करती रही और तेरी रहमत लिए मुझे बहुत कुछ मिला, मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए, इस घर संसार के अंदर खुदावंदा मैं इबादत नहीं कर सकी, खासतौर पर प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर मैं बहुत तकलीफ में रही, आप खुदावंद मेहरबानी करके मुझे माफ करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया इबादत माफ नहीं होती, इबादत करो, हर रोज एक घंटे की इबादत जो फर्ज है, मौला फरमाया 15-20 मिनट 30 मिनट एक्स्ट्रा इबादत करके तुम हिसाब करो कि तुमने कितने महीने इबादत नहीं की, तो इतने महीने से डबल करके आधा आधा घंटा रोज इबादत ज्यादा करके एक घंटे के ठिकाने तुम 1.5 कलाक इबादत करो, मगर वो कर्जा पूरा करो, इबादत माफ नहीं होती। हाथ जोड़ दिया। 1967 नवंबर के महीने में बंबई में हजर इमाम शाह करीम आए, बैतुल ख्याल के अंदर बोल देने के लिए आए, 5-6 हजार बच्चे थे। बोल देते वक्त जो फरमान किए तो उन फरमानों में इमाम फरमाते हैं, मेरे रूहानी बच्चों अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो इबादत नहीं करना, तुम्हारा सिर दुखता हो गए इबादत मत करो क्योंकि तुम कंसंट्रेशन नहीं कर सकोगे। वो भाइयां के जो प्रेग्नेंट होंगे और उनको आखिरी दिनों के अंदर डिस्कम्फर्ट होता होगे तो उनको भी मैं कहता हूं तुम इबादत नहीं करना। मैंने कहा या मौला, एक वो जौमा है कि जिसने उसको कह दिया कि इबादत माफ नहीं होती, भले तुम प्रेग्नेंट हो, भले तुम बीमार हो, और एक्स्ट्रा कला की इबादत करके तुम उस अपने कर्जे को पूरा करो। आज ये जमा आ गया कि खुद कहता है कि अगर तुम्हारी शारीरिक हालत ऐसी हो तो इबादत मत करो। क्यों? देखो इसीलिए हमारे पास हजर इमाम है। हर जमाने के अंदर हालत देख के हजर इमाम हमें दरबानी देता है, वो हमारा पायलट है कि जो रास्ते के तमाम डेंजर से वाकिफ है, वो हमारा कैप्टन है, उसको मालूम है कि ये समुन्द्र के अंदर कहां कहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और डूंगर हैं, वो अपने स्टीमर को अच्छी तरह से
پائلٹ کر کے ایک کیپٹن کر کے لے جاتا ہے. یہ امام سلطان مجھ نے فرمایا کہ امام ہے وہ ایک کیپٹن کی طرح ہے کہ جو اسٹیمر کو بچا کے لے جاتا ہے تاکہ اسٹیمر میں جماعت بیٹھی ہوئی. زمانہ بدل گیا, زمانے کے اندر گناہ بڑھتے گئے, انسان کی لائف دنیا میں اوتپروت ہو گئی, انسان زیادہ سے زیادہ دنیاوی چیزوں کے اندر گھسایا گیا ہے, انوالو ہو گیا ہے. دو برس پہلے, ڈھائی برس پہلے نومبر 86 میں حضرت امام امریکہ اسٹیٹس میں جو فرمان کیے, وہ بھی فرمان سن کے تو میرے کان چونک گئے. مولانا حضرت امام اسٹوڈینٹس میں جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تمہاری یہاں کی جو لائف ہے اسٹیٹس کی وہ بہت بزی لائف ہو گئی, تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تمہارے آجو باجو کا واتاورن بہت سخت ہے, شام کو تمہاری کلاسز ہوتی ہیں, کئی لوگ شام کو جاب کرتے ہیں. میرے پاس میرے روحانی بچے آ کے مجھے کہتے ہیں میں جانتا ہوں روز تم جماعت خانے نہیں آ سکتے, میں جانتا ہوں کہ تم وقت پہ دعا نہیں پڑھ سکتے, مگر میرے روحانی بچوں تم اپنے من میں تو یاد کر لیا کرو, ایک سیکنڈ بھی تم مجھ کو یاد کر لو, اور اس کے بعد پھر تمہیں جب ٹائم مل جائے فرصت کا تو پھر آرام سے بیٹھ کے دعا پڑھو, مگر جب دعا کا ٹائم آوے اور تم کلاس میں ہو کہ تم کسی اور جاب میں ہو اور تم نہیں پڑھ سکتے تو سب فرمایا تم اپنے دل میں مجھے یاد کر لو, ایون اے فریکشن آف اے سیکنڈ. کیسی رحمتیں ہیں یہ, وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو اپنے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا چاہتا ہے. امام یہ چاہتا ہے نہ کوئی نہ کوئی طریقے سے تم کیسی بھی کنڈیشن میں ہو, تم کدھر بھی ہو, لیکن میرے ساتھ سمبندھ رکھو, وائر کھلی رکھو, کانٹیکٹ چالو رکھو. بولا کہتے ہیں تم اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرو گے تو لوگوں کو تو پتہ نہیں لگتا کہ تم کیا کر رہے ہو, مجھے یاد کرو, کسی بھی نام سے یاد کرو, سارا دن اللہ اللہ کرو. مولا فرمایا علی کا نام لو, اماموں میں سے کسی امام کا نام لے لو, محمد کا نام لو, مگر سارا دن مجھے یاد کرتے رہو. بیت الخیال کی عبادت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو یہ خیال ہوئے کہ مولا کے ساتھ ہمارا سبن چالو رہے, مولا کے ساتھ ہمارا ٹیلی فون اوپن رہے چالو سارا دن. اور دن دارو یہ مشکل نہیں ہے, اپنے من میں مولا کو یاد کرنا یہ کوئی مشکل نہیں. ڈرائیونگ کرتے کرتے یاد کر سکتے ہو, پاؤں سے چلتے چلتے یاد کر سکتے ہو, منہ سے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں, من میں یاد کرنا ہے, کھاتے کھاتے یاد کر سکتے ہیں. امام فرمایا جب رات کو تم سونے کے لیے جاؤ اور اپنے سر کو تم تکیے کے اوپر پلو کے اوپر رکھو اور تمہاری آنکھیں بند ہوئیں سونے کے لیے, مجھے یاد کرتے 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 تمہاری نیند چڑھ جائے گی تو جتنے کلاک تم سو گے میں وہ عبادت میں گنوں گا, کیوں کہ تم مجھے یاد کرتے کرتے سو گئے. مومن جب اٹھتا ہے مولا فرمایا دعا مانگتا ہے کہ یا مولا تیرا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے نیند میں سے اٹھایا, اگر تم چاہتا تو نیند کے اندر میری روح نکل سکتی تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیند کے اندر بہت دفعہ انسان کی روح باہر نکلتی ہے, اور جب تلک خدا کا حکم نہیں ہوتا وہ روح واپس بدن میں نہیں آتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو انسان نیند کے اندر بھی گزر جائے, اور نیند حقیقت میں موت کا سیمپل ہے, نیند ہے وہ موت کا سیمپل ہے. فرق اتنا ہی ہے کہ سانس چلتا ہے, موت میں سانس نہیں چلتا, باقی سب کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں, کھانا پینا, بزنس, روزگار, بیوی بچے, تھنکنگ وغیرہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں نیند کے وقت. نیند ہے وہ ایک قسم کی موت ہے, اور یہ موت بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کے بھگت ہیں, جو خدا کے بندے ہیں, وہ جو عابد ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, سمجھدار ہیں, مومن ہیں, ان کے لیے نیند میں بہت سی سیکھنے جیسی چیزیں ہیں. نیند سے ہمیں بہت کچھ لیسن ملتا ہے. ہر 24 گھنٹے کے اندر خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ تھک جاوے, اس کی انرجی گھٹ جاوے,
और मजबूर होकर वो सो जाते। ये जो नींद अगर ना होती और 24 घंटे इंसान जागता ही रहता और 24 घंटे वो काम ही करता रहता तो दुनिया के अंदर वो जी ना सकता, शायद खुदा को बंदोबस्त कर सकता, लेकिन आखिरत के लिए सोचने के लिए नींद हमारे लिए एक लेसन है। जब इंसान नींद के अंदर जाता है तो मैंने अर्ज की कि उसका खाना पीना एक्टिविटी सब बंद हो जाती है। एक ही फर्क है कि उसका सांस चलता है, मौत में वो सांस बंद हो जाता है। एक ही फर्क है कि नींद के अंदर जीव जो है वो शरीर में रहता है और रूह बाहर निकल जाती है, और मौत के वक्त आत्मा और जीव दोनों निकल जाते हैं। हमें मरना है, हर एक इंसान को मरना है। वो आदमी जो खुदा को नहीं मानता, जो काफिर है, नास्तिक है, वो भी ये तो जानता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। मगर जो लोग खुदा को प्यार करते हैं, वो लोग के जिनको खुदा ने अक्ल बख्शी है और अक्ल से काम लेते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक दिन मरना है, खुदा के पास जाना है, खुदा मेरे से हिसाब मांगेगा। इस्लाम दीन के अंदर ये ईमान का भाग है कि हम इस बात को कबूल करें, हम इस बात को माने और इस पे ईमान रखें कि खुदा हमारा हिसाब मांगेगा, और जरूर मांगेगा। उस वक्त मैं खुदा को क्या जवाब दूं? इमाम सुल्तान मुंशा फरमाते हैं कि खूबसूरत मुंह लेके जाओ खुदा के पास, सुर्ख रूह होके जाओ कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई ऊंचा पद नहीं की। फिर उसने एक गिनान बनाया, गिनान बनाया, उसके अंदर भी एक स्टोरी के रूप में हमको बताया। एक सेठ है, एक नौकर है। सेठ ने नौकर को कहा कि जाओ जाके व्यापार करो, और वो दुनिया के अंदर आके ऐसा गुलतान हो गया कि उसने सेठ के व्यापार के अंदर कोई नफा न बनाया और नुकसान उठाता रहा, मौज करता रहा, सेठ का पैसा खाता रहा। और एक दिन सेठ ने आदमी भेजा कि चलो सेठ तुमको बुलाते हैं। तब उसको ख्याल आया, ओह अब मैं किस मुंह से हिसाब करूंगा। जब सेठ ने वानो उत्तर बे दामो करवा बैठा, तिया जीवड़ो घनो द्रुजे हो जी, है जी पाने पाने जीवन पाप ले खाना, माहे घर मनु अखरना सूजे ओ जी। हिसाब करता तो नुकसान ही नुकसान है। यानी ये सारे गिनान के अंदर सेठ और लानोत्तर की स्टोरी मौला और हम बंदे के लिए बना दी कि तुमको दुनिया के अंदर कमाई करने के लिए मौला ने भेजा, मगर हमने मौला का पैसा खाया, मौला का नुकसान किया, उसका बिजनेस फेल कर दिया, नफा कुछ न बनाया, कर्जा और नुकसान दिखाया। तो मौत का जो वक्त है वो सेठ के बुलाने का वक्त है। फरिश्ते आके बुला के लेके जाएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे। हम उसको कहते रहेंगे कि भाई मुझे थोड़ी मोहलत दो, तो वो मोहलत नहीं देंगे। ताड़ा कूची हो रही हो वखारे, तू केम चाले और ठाले हाथ से खाली हाथ जाएगा। तो मौत जो है ना वो हक है, और मौत के लिए ख्याल करना इबादत है। मौत के मुतालिक सोचना अकलमंदी है, और उसकी तैयारियां करना ये और भी सुपीरियर चीज है। ये चीज बैतुल ख्याल के साथ ताल्लुक रखती है कि हम हर रोज अपनी नींद में से घंटा डेढ़ घंटा निकाल के हम उस